यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। टीवी 9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस। मैं हूं आपके साथ अंजलि और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी। सर, आपका स्वागत है। दाता खुशियां दे, माता रानी सुखी रखे। कई लोगों को रात में ढंग से नींद नहीं आती है, और आती भी है तो बुरे बुरे सपनों के कारण उनकी नींद खुल जाती है। अक्सर सांप के सपने, भूत प्रेत के सपने आते हैं, या कुछ ऐसे सपने भी आते हैं जिसके चलते डर लगा रहता है। हम आपको बताएंगे कि आखिर सपने आने के पीछे कारण क्या है और ये किस तरह से हमारी दिनचर्या के साथ जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही आपकी राशि के बारे में भी आपको गुरुदेव आज बताएंगे। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल ये है कि गुरुदेव, जरा बताइए कि बुरे सपने आने के पीछे आखिर क्या कारण होता है। सबसे पहले दर्शक ये जानना चाहते हैं, बुरे सपनों का आना यानी कि शनि का जन्म कुंडली के अंदर खराब होना, और खास तौर पर उसका संबंध दृष्टि पांचवें घर पे होना। खराब शनि की जब भी दृष्टि पांचवें घर के ऊपर पड़ती है तो हमारी बुद्धि के अंदर डर बसा हुआ होता है, और जब ये डर बसा हुआ होता है तो यह सूर्य को खराब करता है। सूर्य के खराब होने का मतलब कॉन्फिडेंस का खराब होना। तो ऐसी अवस्था के अंदर जो चीज़ें हम नेगेटिव सोच के और सुन के बड़े हुए होते हैं, वही हम अपने सपनों में लेकर के आते हैं। आप देखते हैं कि कई लोगों को ये आभास होता है कि आसपास में कोई भूत है या कोई साया है, ये खराब शनि की ये हालात होते हैं। कई लोगों को सपने के अंदर कोई जानवर डसते हुए उनके पीछे भागते हुए नजर आते हैं, ये खराब शनि के कारण होता है। और कई लोगों को अपने पीछे सांप भागता हुआ नज़र आता है, कईयों को सांप बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, कईयों को बहुत कोई तूफानी सिचुएशन के अंदर फंसे हुए नज़र आते हैं। ये जितनी भी अवस्थाएं हैं ये खराब शनि की है। और शनि खराब की चपेट के अंदर अगर कहीं चंद्रमा भी आ गया, यानी कि खराब शनि की दृष्टि पांचवें पे तो है, या पांचवें के अंदर स्वयं खराब शनि बैठा है और उसकी दृष्टि चंद्रमा पे भी पड़ गई अगर, तो ऐसी अवस्था में पानी में डूबना, पानी के और बहुत सारे वाक्यात, अचानक बादल का फट जाना, वैसे बह जाना, या और भी किसी प्रकार के पानी के अंदर के जीव आकर के डसे, ये सारी होती है। और रियल लाइफ के अंदर भी ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि कीट पतंगे उनको काटते हैं, मधुमक्खी काटती है, या मक्खी और किसी प्रकार की डंक वाली मक्खी वो आकर के काटती है, उसको जानवर सींग मारता है। रियल लाइफ में भी इन लोगों के साथ में ये होता है, और इसका कारण होता है शनि का जन्म कुंडली के अंदर खराब होना। तो गुरुदेव ने बताया है कि आखिर बुरे सपने क्यों आते हैं, क्या संकेत देते हैं ये सपने। आगे और भी सपनों के बारे में बहुत सारी बातचीत हमारे कार्यक्रम में होने वाली है, लेकिन उससे पहले जानते हैं तीन राशियों के बारे में। ये राशियां हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि। मेष राशि के लोग जो जबरदस्ती आज अपना काम करना चाहते हैं और जिद में अड़ करके करना चाहते हैं, उनके लिए दिन शुभ नहीं है। नहीं तो सहजता से, सहज भाव से, अपनों की सलाह लेकर के, बड़ों की सलाह लेकर के जो कार्य करना चाहते हैं वो सफलता का परचम लहराने वाले हैं आज। तो इसीलिए जिद में आकर के कार्य ना करें, और सुबह सवेरे मंदिर होकर के और तन पर चांदी धारण करके कार्यों की शुरुआत करें, उत्तम होगा। वृषभ राशि जो परिवार वालों के साथ, मित्रों के साथ दिन बिताने वाले, उनके लिए तो बहुत ही बेहतर है, और सभी कार्यों में सफलता लिखी हुई है, और आज पूरी तरह से भाग्य आपका साथ भी देने वाला है। तो कुछ नहीं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले और दिन की शुरुआत करें। मिथुन राशि वाले आज गुस्से के अंदर अपने रिश्तों को खराब कर सकते हैं, या होने वाले रिश्ते को, यानी कि जिनका रिश्ता तय होने वाला है उनके अंदर कमियाँ निकाल के अपना दिन खराब कर सकते हैं। और कामकाज के अंदर नॉर्मल कामकाज चलता रहेगा, उसके अंदर ठीक ठाक परिणाम भी आज आपको लिखे हुए हैं, तो इसीलिए सुबह सवेरे थोड़ी सी खोए की मिठाई मंदिर में चढ़ा के बांट के दिन की शुरुआत करें ताकि रिश्ते ना मिले। गुरुदेव, एक और सवाल है, अगर सपने में हम किसी की मौत देखते हैं या खुद को मरता हुआ देखते हैं, इसके पीछे क्या संकेत होता है, और अगर किसी की मृत्यु से जुड़े सपने आते हैं तो क्या उपाय करना चाहिए?
सही मायने में कहते हैं कि अगर किसी की आप मृत्यु देखते हैं तो उसकी उम्र लंबी हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी की नेचुरल डेथ देख रहे हैं तो उम्र लंबी होती है, कि अचानक वो चलते चलते या किसी और तरीके से किसी की डेथ देखते हैं तो उसकी उम्र लंबी होती है, ये शुभ संकेत में माना जाता है। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि उसको किसी ने मार दिया और मारते हुए आपने उसके खून भी अगर निकलते हुए देखा तो ये मंगल शनि की लड़ाई हो जाती है और ये शुभ नहीं होती। और ऐसी अवस्था में ये प्रॉब्लम उस रिश्तेदार या उस जानकार की वजह से अपने जीवन को प्रभावित कर सकती है, और वो क्या प्रभावित कर सकती है, ये मंगल और शनि का खराब मेल होता है जिसके अंदर जिन चीज़ों को आपने डॉक्यूमेंटेड नहीं किया है, जिन चीज़ों की आपने लिखित नहीं करी है और उसके साथ में उस चीज़ को लेकर के काम है, लेन देन है, तो ऐसे में उस शख्स से आपको धोखा मिलने वाला है और उस धोखे के अंदर लड़ाई हो करके रिश्ता टूटने वाला है। तो ऐसी अवस्था के अंदर अगर आप किसी की मृत्यु देखते हैं, उसके खून भी निकलते देखते हैं, तो समझ लीजिए उसके साथ भविष्य के अंदर विचार मिलने में दिक्कत आएगी। तो ऐसी अवस्था के अंदर आपको अगर इस तरह का कोई सपना आए तो 9 दिन लगातार एक नारियल पूजा वाला, 10 साबुत बादाम और 10 छुआरे लेकर के मंदिर के अंदर देने चाहिए ताकि ये बुरा सपना आपकी ज़िंदगी में कोई बुराई ना ला पाए। तो देखिए, गुरुदेव ने बताया है कि जो मिथ था इससे पहले कि अगर आप अपने आप को मरता हुआ या किसी की मृत्यु देखते हैं सपने में तो उसके पीछे क्या संकेत होता है। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, उनके लिए कैसे वो अपने दिन को बना सकते हैं शुभ। कर्क राशि वालों को आज काम के अंदर भी उतार चढ़ाव, स्वास्थ्य के अंदर भी उतार चढ़ाव, परिवार के किसी सदस्य के साथ में तनावपूर्ण स्थिति, ये भी हालात लिखे हुए हैं। लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके आराम से धैर्यपूर्वक अपना कार्य करते हैं तो आपके लिए शुभ। थोड़ा सा शहद सुबह चाट करके काम की शुरुआत करें और थोड़ा सा शहद मंदिर में अर्पित करके दिन की शुरुआत करें और सहजता से चले, बहुत अच्छा होगा। सिंह राशि, सिर्फ एक स्वास्थ्य को छोड़ करके हर तरह से दिन उत्तम है। किसी को भी सलाह देंगे वो पार जाएगी, इज्जत बढ़ेगी, ठीक है, और घूमने फिरने के अवसर, मनोरंजक यात्राएँ, इन सब के लिए भी बहुत अच्छा दिन है। तो चांदी का चकोर टुकड़ा जेब में रखें, दिन और शुभ होगा। कन्या राशि वालों के लिए तो आज का दिन झंडा गाड़ने का दिन है, परचम लहराने का दिन है, तो बहुत ही खास काम चुनिए। जो नहीं हो पाया पिछले दिनों से या किसी अपने का कोई काम अटका हुआ है, आज वाकई में झंडा गाड़ने का दिन है। आज आप कामों के अंदर सफलता प्राप्त कर ही लेंगे और हर तरह से अपनों का सहयोग हर तरह से प्राप्त होगा और काम के अंदर उतर करके बुद्धिमता से आज आप हर तरह की सफलता प्राप्त करने वाले हैं। बस मंदिर में परमात्मा के अपने इष्ट के दर्शन करके दिन की शुरुआत करें और उत्तम। गुरुदेव, अगर सपने में पितर आते हैं, पितरों का दिखना क्या संकेत करता है और ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? पितरों का भी इसी प्रकार से कि वो तृप्त आए हैं, आशीर्वाद देने आए हैं, कुछ देने आए हैं या कुछ लेने आए हैं, ठीक है। अगर वो तृप्त आए हैं, आपको कुछ देने आए हैं या आशीर्वाद देने आए हैं, तो ये चंद्रमा की बहुत ही शुभ अवस्था है जिसके अंदर आप समझ लीजिए कि भविष्य के अंदर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई कामयाब होने वाली है, अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी तरह से सीखने वाले हैं, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, घर के अंदर कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, तो वो आपका पूरी समृद्धि के साथ पूरा होने वाले हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर आपको जब ये शुभ पितर आए तो आपको थोड़े से चावल मंदिर के अंदर दे करके पंडित जी के पांव हाथ लगा करके वो भी अगर आशीर्वाद लेते और अपने पितरों के नाम की सिर्फ अरदास ही परमात्मा को करवा देते हैं कुछ भी दे करके, तो ये आपके लिए कई गुना और ज़्यादा फलित हो जाती है। लेकिन अगर पितर हमारे सपने में आए हैं और वो बार बार कुछ मांग रहे हैं, बार बार कुछ इंडिकेट कर रहे हैं और बार बार ये बता रहे हैं कि तेरा बुरा होना जा रहा है, तो इसका मतलब चंद्रमा खराब हो गया है और उस अवस्था के अंदर वो अतृप्ति या चिंता के संकेत होते हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर
घर के अंदर अलर्ट होना चाहिए, उन दिनों के अंदर ज़रूरी काम रोक देने चाहिए, खास तौर पे पैसा खर्च करके या प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र इधर से उधर करना या खरीदना, ये इन चीज़ों को रोक देना चाहिए। अब यहाँ पर दो चीज़ें बनती है, एक तो आप अपने काम पे पैसा लगाने लगे हैं या ज़रूरी चीज़ों के ऊपर, रिश्तों के ऊपर पैसा लगाने लगे हैं या शादी करने लगे हैं, तो ऐसी अवस्था में थोड़ी देर के रुक लिए रुक जाए और चंद्रमा की वस्तुएँ मिश्री चीनी चावल ये लेकर के वृद्ध आश्रम में दे करके पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेना शुरू करें और हर महीने की अमावस को अपने पितरों के लिए कुछ भी कच्चा या पक्का बना करके पंडितों को खिलाना, समझे, और ख़ास तौर पे कर्मकांडी जो हों, जो मंदिरों के अंदर पुजारी हों, उनको खिलाना, उनको देना, ये हर अमावस को करने लगेंगे तब ये पितर तृप्त होते हैं और अच्छा बनाता है। और इसके अलावा ये वृद्ध आश्रम के अंदर देना वो भी शुभ होगा। और इसके साथ ही अगर अपने पितरों के नाम का कोई गरीबों के अंदर भंडारा जिसके अंदर नमकीन, मीठा, तला हुआ, ये तीनों ही चीज़ें हों, ये कर देने से बुराइयां टलती हैं। और ये संकेत को समझ करके आप अगर ज़रूरी चीज़ों को अभी रोक करके और जब दोबारा पितर आकर के आपको आशीर्वाद देने स्वरूप आप आएंगे, समझ लीजिए अच्छा समय आया, वहाँ से अपने शुभ कामों की शुरुआत करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम है। और अब कार्यक्रम में बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का इंतजार खत्म करते हुए उनके लिए कैसा रहेगा आज का दिन। तुला राशि, आज के दिन जितनी चुस्ती, चलाकी, तेजी इस्तेमाल करेंगे पॉजिटिव वे में, नेगेटिव में नहीं, दूसरों को लूटने के लिए नहीं, ठीक है, और विदेशियों के साथ संपर्क बनाना और उनसे कामयाबी हासिल करना, उसके लिए दिन बहुत ही उत्तम है। तो हर तरह से अपने परिवार के सदस्य, दोस्तों के सहयोग, सबका सहयोग आपको अच्छा प्राप्त होगा। बस अपने बड़ों बुजुर्गों के पाँव हाथ लगाइए, कुछ पतासे मिश्री वगैरह मंदिर में चढ़ा करके परमात्मा का आशीर्वाद लीजिए, दिन और शुभ होगा। वृश्चिक राशि, आज आपके भाग्य कुछ खास है, यानी कोई भी ऐसा कार्य को अंजाम दे सकते हैं जिससे कि घर परिवार का नाम रोशन हो, आपके मोहल्ले का नाम रोशन हो। और आज किसी भी तरह से प्रसन्नता के हालात तो बने ही रहेंगे और आर्थिक योजनाएं, यानी कि रुपए पैसे को लेकर के जो भी योजनाएं बनाएंगे खर्च करना और कमाने से संबंधित, उसमें भी पूर्णतः लाभ और हर तरह का सुख सहयोग, हर तरह से दूसरे लोग आपका साथ दें, इन सब के लिए दिन बहुत शुभ है। बस चांदी अपने तन पर धारण रखें। धनुराशि वालों के लिए जिनके कि रिश्ते होने हैं उनके लिए भी दिन बहुत शुभ है और आज दूसरों का सुख और सहयोग वो भी बहुत अच्छा प्राप्त होगा। और अगर कोई रिश्ता लेकर के आएगा जानकार तो उसमें भी हर तरह की सफलता प्राप्त होगी और दूसरों के सहयोग से कार्य सिद्धि भी लिखी हुई है। तो आज के दिन दूध उबल करके गैस पे ना गिरने दे और थोड़ा सा दूर मंदिर में जरूर चढ़ाएं। गुरुदेव, अगर हम सपने में भीड़ भाड़ देखते हैं या कोई मांगलिक कार्य देखते हैं, क्या ये शुभ होता है या अशुभ होता है? सपना यानी कि आपकी वो अवस्था जिसके अंदर मंगल और राहु, यानी कि आप बिस्तर के ऊपर सो रहे हैं तो यानी कि केतु, और उसके अंदर आपके विचार राहु, और उसके अंदर मंगल कार्य देखना, मंगल राहु केतु की लड़ाई। इसीलिए कभी भी किसी की भी शादी सपने के अंदर देखना शुभ नहीं माना जाता, ठीक है। भीड़ भाड़ तो कई तरह की होती है। अब वो धार्मिक स्थान की भीड़ भाड़ है, रोड की भीड़ भाड़ है, आपके घर के अंदर भीड़ भाड़ है, लेकिन किसी भी तरह की भीड़ भाड़ हो वो राहु को ही इंडिकेट करती है, लेकिन एक धार्मिक स्थान की भीड़ भाड़ को छोड़ करके, ठीक है। तो भीड़ धार्मिक स्थान को छोड़कर कहीं की भी, और मंगल कार्य यानी कि शादी वगैरह होना देखना, ये मंगल शनि, मंगल राहु केतु, इन तीनों की एक तरह की लड़ाई का ये संकेत होता है। तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? ऐसी अवस्था के अंदर सबसे उत्तम है कि आप थोड़ा सा दूध और अनार, 1, 2, 3, 4 अपनी समर्था के अनुसार, मेरी तरफ से 10 किलो, तो अनार और दूध ये आप मंदिर में लगातार कम से कम 9 दिन चढ़ाएं, तो इस सपने का बुरापन वो खत्म होगा। और हर रोज कुत्ते और कौओं को कुछ ना कुछ खाने को दें, कम से कम 1 महीना, समझे, या 43 दिन दे सबसे उत्तम। 1 महीना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें 27 नक्षत्र घूम जाते हैं और 43 दिन लाल किताब के अनुसार राशि, ग्रह, ये सब कुछ मिला के 4 दिन फालतू मनाए जाते हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर बेटा 43 दिन ये करना,
इस बुराई से निजात दिलाएगा, वरना ये इंडिकेशन हो सकती है कि आपका मंगल खराब होने जा रहा है, जिंदगी के अंदर टेंशनें बढ़ने जा रही हैं और कोई ना कोई बीमारी का संकेत भी ये घातक हो सकता है। तो इसीलिए इससे बचने के लिए ये उपाय करना बहुत ज़रूरी है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात अपने स्पेशल एलिमेंट की करेंगे, क्योंकि लगातार हम सपनों की बात कर रहे हैं गुरुदेव, तो ज़रा ये भी बताइए कि घर में वास्तु के अनुसार बेड की जो दिशा है या सोने की दिशा है वो क्या होनी चाहिए। सोने की दिशाएं दो ही प्रेफरेबल हैं और वो कौन सी है, पश्चिम दिशा की तरफ सर करना और पूर्व दिशा की तरफ हमारे सोते हुए नथनाना। उसके लिए कहा जाता है कि पूर्व दिशा की तरफ से आने वाली हेल्दी हवाएं वो हमारे अंदर जाते हैं, हमारी ऑक्सीजन के ज़रिए वो हमारे अंदर आते हैं, जो हमारे दिमाग को शांत रखती है और शरीर को पुष्ट रखती है। और दक्षिण दिशा की तरफ सर करना और उत्तर दिशा की तरफ पांव करना, ये भी जो योग है इसके अंदर उत्तर दिशा की तरफ से आने वाली एक बहुत ही ऐसी हवाएं जो हमारी याददाश्त को, हमारे शरीर के अंदर बीमारियों को बचाने वाली एक हेल्दी ऑक्सीजन के साथ हमारे अंदर जाती हैं और हमें बीमारियों से निजात दिलाती है और हमारी याददाश्त को बेहतर करती है। और चाहे पूर्व दिशा की हवा हमारे अंदर जाए, उत्तर दिशा की जाए, ये दोनों ही हवाएं जब भी पुरवैया चलती है और जब भी ये उत्तर दिशा की तरफ से हवा चलती है, यानी कि ठंडी मीठी हवा आती है पहाड़ों की तरफ से, ये दोनों ही हमारे जीवन को कंप्लीट करना, अंदर बीमारियों को ख़त्म करने की ताकत देने का काम करती है ये दोनों तरफ की हवाएं। लेकिन जो लोग पूर्व की तरफ दिशा करके सोते हैं, सर करके सोते हैं और पश्चिम की तरफ पांव करके सोते हैं, उनको जोड़ों से संबंधित तकलीफें होती हैं, हड्डियों से संबंधित तकलीफें होती हैं, गुस्से चिड़चिड़ेपन से संबंधित तकलीफें होती हैं, ये सारी होंगी। और साथ ही नज़र की कमज़ोरी वगैरह ये सब कुछ होगा और दिमाग के अंदर बस बात का फंस जाना और उसके कारण क्लेश होना, ये सारी तकलीफें होती हैं। और इसीलिए पश्चिम की तरफ जो है पाँव करके नहीं सोना चाहिए, ठीक है। दूसरा, जो लोग दक्षिण की तरफ पाँव करके सोते हैं उनके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश पैदा होते हैं, बच्चा पैदा करने की क्षमता कमज़ोरी होती है, पेट खराब होता है और साथ ही आँखों की कमज़ोरी होती है और जेलस भावना अपने अंदर बढ़ती है, क्योंकि पश्चिम और दक्षिण दोनों ही रोग कारक दिशाएं हैं और जब भी इधर की तरफ से हवाएं चलती हैं और ये हमारे पास डायरेक्ट आती हैं तो ये हमें रोग देती हैं। पूर्व और उत्तर की तरफ से जब भी हवाएं चलती हैं उसके अंदर की हुई एक्सरसाइज, भाग दौड़ ऑलवेज आपके शरीर के लिए अच्छा होती है, क्योंकि उस वक्त में ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा आपके अंदर जाएगी आपके लिए उतनी ही सुफलदायी रहेगी और रोगों से बचाने वाली रहेगी। तो इसीलिए उत्तर और पूर्व की तरफ समझे आप पांव करके सोएं और दक्षिण और पश्चिम की तरफ सर करके सोना, यही आपके भाग्य को, शरीर को, आपके दिमाग को, अपनी युक्तियों को दुरुस्त करने के लिए सबसे उत्तम दिशाएं मानी जाती है। तो इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखिए कि आपके बेड की दिशा, सोने की दिशा क्या होनी चाहिए, जो गुरुदेव ने बताया उसे जरूर आप फॉलो करें अपने घरों में। गुरुदेव, अगर सपने में बार बार कोई जानवर दिख रहा हो या फिर सांप दिख रहा हो तो ये किस बात का संकेत देता है? सांप के लिए भी ऐसा ही, अगर सांप या जानवर ये धार्मिक स्थान पे खड़ा हुआ या इसके आगे पीछे धार्मिक स्थान नज़र आए तो इसका मतलब ये है कि भविष्य में आप कुछ भी एक अचानक एक कर्म ऐसा करेंगे जो आपको मालोमाल करेगा, लेकिन दुनियादारी के सुख देने के लिए, आध्यात्मिक सुख के लिए, दुनियादारी के सुख देने के लिए। लेकिन अगर बार बार आपको सांप नज़र आता है, बार बार सिर निकलता है, बिल में घुस जाता है या भागता है, जानवर भी इसी तरह से आम जगह पर नज़र आता है, भागता है लेकिन आपको कुछ कह नहीं रहा, तो ऐसी अवस्था के अंदर क्या है कि छोटी 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 समस्याएं आपको घेरे रहेंगी और आप भागते रहेंगे और आपको वो तकलीफ दे रहेंगे और कामों को सफल नहीं होने देंगे। जो भी काम करेंगे उसके लिए बार बार आपको प्रयास करने पड़ेंगे। तो ये सपने के अंदर जानवर का दिखना और सांप का दिखना आपको उलझनों के अंदर उलझा करके रखेगा। तो ऐसी अवस्था के अंदर आपने सुना होगा कि हमारे बहुत सारे गानों में भी है और वो हमारे संस्कारों पर भी बने हैं कि कौवे को मीठी चूरी खिलाई जाती थी, देसी घी और चीनी डाल के या शक्कर डाल के चूरी बनाई जाती है रोटी की और वो कौवे को डाली जाती है। तो ऐसी अवस्था में बुध को और शनि को दुरुस्त करना, बुध और शनि का मिश्रित जो
धरती पर पक्षी है वो है कौवा, ठीक है। तो कौवे को मीठी चूरी खिलाना अपने आप में मंगल को दुरुस्त करना और शनि की बुराई को खत्म करना और बुध को अच्छा करना, ये एक कॉम्बिनेशन बनता है। तो उन दिनों के अंदर कौवे को मीठी देसी घी की चूरी ज़रूर खिलानी चाहिए। इसके साथ ही घर की पहली रोटी आधी गाय को, आधी से आधी कुत्ते को और आधी से आधी कौवे को, ये अगर आप तीनों पापी ग्रहों को खुश करके चलते हैं, यानी कि गाय यानी कि शुक्र, कुत्ता यानी कि केतु, कौवा यानी कि बुध मिश्रित शनि, अगर इनको आप ये अपनी खुराक का निवाला दे करके चलते हैं और इनको अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो ये अपने पाप को त्याग देंगे और त्याग देंगे तो आपके प्रयास, आपके कर्म वो सफल होने लगेंगे, ये बेमतलब की उलझने जीवन से दूर जाएंगी और आप कामयाबी पाएंगे। चलिए तो अब आगे बढ़ रहे हैं और जानते हैं आखिर की तीन राशियों के बारे में, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। मकर राशि, बहुत दिनों से तकलीफ चल रही है, आज भी तकलीफ ही है। चोट से बचना है, वाहन तेज नहीं चलाना है, दूसरों के साथ मतभेद नहीं करने हैं और काम को नॉर्मल ढंग से करें, उतावलेपन में ना करें, क्योंकि उतावलेपन में गुस्सा चढ़ेगा, खीस चढ़ेगी, जिसके कारण काम खराब होगा। तो इसीलिए हो सके तो मीठी रोटी बना करके बाहर कुत्तों को पक्षियों को थोड़ी सी डाल करके दिन की शुरुआत करें। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों को आज व्यवसायिक या काम के अंदर नए रिश्ते बनाने से बहुत ही लाभ होने वाला है। कार्यों के अंदर सफलता प्राप्त होगी और परेशानियों से निजात मिलेगी। कहने का मतलब पिछले दिनों के अंदर अटके हुए जितने भी काम हैं उनकी खुशखबरी मिल सकती है कि आज वो सफल हो गए और सभी काम उत्तम होंगे। कपूर की टिक्की मंदिर में दीजिए, शुभता और बढ़ेगी। मीन राशि के लोग, मीन राशि के लोगों के लिए धर्म स्थान जाना, चावल चढ़ाना, कन्याओं को कुछ ना कुछ बांटना इनके दिन को और शुभ करेगा। आज मन भी प्रसन्न रहेगा, रिश्तेदारों दोस्तों के साथ मिलने का अवसर भी प्राप्त होगा, भाग्य के हर तरह की सपोर्ट मिलेगी और जो भी काम का आज आप चांस लेंगे उसके अंदर आपको सफलता मिलेगी। गुरुदेव, अब एक आखिरी सवाल है, सपनों के बारे में बहुत सारी बातचीत हो गई लेकिन बुरे सपने ना आए इससे बचें और जल्दी से नींद आ जाए बेड पर जाते, ये मेरा अपना पर्सनल सवाल है, उसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है ये, और इस सवाल का जवाब देने के लिए इसलिए अच्छा लगेगा, कारण ये कि बहुत सारी दुनिया त्रस्त है। जिनकी भी जन्म कुंडली के अंदर राहु 12वें घर में बैठ जाए वो शनि को खराब कर देता है, और जब शनि खराब होता है तो ऐसी अवस्था के अंदर मंगल काम आता है और मीठी नींद का ऑलवेज कारण मंगल होता है, और जिसका भी मंगल 12वें स्थान पर हो उस इंसान को बिस्तर पे जाते ही बहुत अच्छी नींद आती है और बिना सोच विचार के वो बड़े आराम से सो सकता है और लंबी नींद सो सकता है। दूसरा, जिसके मन के अंदर व्यथाएं चलती हैं, जो मन के अंदर से परेशान इंसान होता है और हर वक्त सोचने की आदत का हो, उसको नींद नहीं आती, उसका चंद्रमा डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में करना क्या चाहिए? अब ये चंद्र और मंगल ये बनते कहाँ हैं? हमारे शरीर के अंदर लगभग 70% पानी है, तो चंद्रमा तो पूरे शरीर में ही है। मंगल यानी कि ये खून यानी कि रेड सेल्स कहाँ बनते हैं? रेड सेल्स बनते हैं हमारी थाई में, यानी कि हमारी कमर से लेके घुटनों के बीच का जितना ये मोटी जांग है ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर रेड सेल्स बनते हैं, ये आप किसी भी डॉक्टर से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आपकी थाई कमज़ोर होने लगती हैं तो समझ लीजिए मंगल कमज़ोर हो गया, नींद की प्रॉब्लम आ गई, ये साइंटिफिक रीज़न है। और दूसरा, अगर राहु का संबंध है तो वो सोच विचार में इतना उलझा देगा कि आप प्लानिंग बनाने में रहेंगे, आपको नींद नहीं आएगी। और तीसरा, चंद्रमा अगर खराब है तो मनोमन आप बहुत ज़्यादा सोच सोच करके उतावले होते रहेंगे, जिसकी वजह से नींद नहीं आएगी। तो ये तीन रीज़न है। तो ऐसी अवस्था के अंदर अपने बेड के तकिए के खासतौर पे जो लिहाफ है उनको हल्के लाल रंग का करना, पिंक शेड में ले लीजिए, लाल रंग ले लीजिए, और एक मंगल की प्रॉपर पूरी वस्तु यानी कि लाल रंग का सूती कपड़ा, उसके अंदर सौंफ भरना और एक छोटा सा मूंगा 5-7 रत्ती का लेकर के उसके अंदर डालना और तकिया बना लेना, और तकिया बना करके जब उसे आप तकिए के अंदर रखते हैं तो राहु की शरारतें ना होने के कारण और उस
मूंगे की ताकत के कारण और सौंफ की खुशबू के कारण आपको नींद बहुत अच्छी आने लगती है। राहु आपके पास से दूर चला जाता है, बेकार की सोचें दूर चले जाती है, तो नींद बहुत अच्छी आती है। दूसरी, चंद्रमा, चंद्र और मंगल को दोनों को अच्छा रखने के लिए हर मंगलवार को अगर दूध में आप हलवा बनाते हैं, यानी कि सूजी को घी में भूनते हैं, उसके अंदर पानी की जगह दूध डालते हैं और वो बना करके मंदिर चढ़ा करके अगर आप बांटते हैं तो इससे भी, और या चावल मिश्री वैसे ही हर रोज़ आप मंदिर में देना शुरू कर देते हैं, चंद्रमा अच्छा होने लगता है तो नींद आने लगती है। और तीसरा सबसे काबिल उपाय, अगर आप दिन में दो बार सुबह और शाम, पहले 10-10 बैठक, बाद में 20-20 बैठक, और इसी तरह से करते हुए सुबह शाम 50-50 अगर आप बैठक माननी शुरू कर देते हैं और अपनी थाइस को मजबूत करते हैं, और जब मजबूत थाई के अंदर ज़्यादा ब्लड सेल्स पैदा होते हैं, यानी कि रेड सेल्स ज़्यादा पैदा होते हैं, तो नींद अपने आप बहुत अच्छी आने लगती है। तो आपको एक्सरसाइज वाला तरीका भी बताएं और एस्ट्रोलॉजिकल उपाय भी बताएं। तो अगर ये आप दोनों ही करेंगे, एस्ट्रोलॉजिकल उपाय भी और ये बैठक मार के अपनी थाई को मजबूत करके रेड सेल को और पैदा करने वाली मशीनरी को ज़्यादा चालू करने वाला उपाय, ये दोनों करते हैं तो आपकी नींद को कोई भी खराब नहीं कर सकता, आप ऑलवेज सुखद और अच्छी नींद सोएंगे। चलिए, तो ये आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्या प्रॉब्लम थी, नींद नहीं आती है, बेड पर जाते ही नींद कैसे आए, तो बता दिया है गुरुदेव ने। आप चाहे तो ज्योतिष उपाय भी कर सकते हैं और साथ ही वर्कआउट करेंगे, थके हारे रहेंगे तो नींद भी खुद ब खुद अच्छी आ जाएगी। अगर आप जीवन में चाहते हैं कामयाबी, अपार धन और लाभ, गुरुदेव के बताए हुए उपाय आप ज़रूर फॉलो करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपके कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भर देगा। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं, उनका अपॉइंटमेंट चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर है 999-999-0522। साथ ही अपनी और अपने परिवार से जुड़ी किसी भी समस्या का आप समाधान चाहते हैं, हर कष्ट हर तकलीफ से राहत चाहते हैं, तो आप एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का, आप बने रहे हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।